आज जो चुनाव की यह रैली है, संकल्प रैली है, आश्वासन दिलाना चाहते हैं। आपने सरपंच पद का मौका दिया तो जन जन का हम जो है ना मान और सम्मान करेंगे। गांव की कोई भी समस्या जिसे भी होगी कृपया हम सुधारने की कोशिश करेंगे, पुलिस तक न जाएंगे, जाने देंगे। बदलाव चाहता है, वो बदलाव होकर रहेगा। जता दिया मुकाबले में तो वह आ गई, और ये जितने भी पार्षद जन समूह है ये दो एडवांस में चल रहा है, और प्रतिद्वंदी को भी सबको ये पता लग जाएगा कि गांव बदलाव चाहता है और ये बदलाव होकर रहेगा। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं उत्तम हरियाणा। देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम मौजूद है हरियाणा के ऐतिहासिक गांव मांडोठी में। उन्होंने अनेकों गांव को पहलवान, अनेकों खिलाड़ी और अनेकों राजनेता दिए हैं। आज इस गांव में सरपंची का माहौल है, और अपने जो उम्मीदवार है राजू पहलवान जी, उनसे हम बात करेंगे। ये राजू पहलवान के उत्तर है कि आपको गांव में कैसा माहौल लग रहा हो, कि आप सरपंच बनने के बाद क्या विकास कार्य करने की सोच रहे हैं। जो मेरे दादाजी है उन्होंने हम देख रहे हैं कि आपको जैसे 36 बरादरी का समर्थन मिला हुआ है, तो गांव का इतना बड़ा हुजूम आपके साथ है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पिछले 7 साल में कोई काम नहीं हुआ, उनके जो पिछली बार उसके बाद किए गए थे उनके मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। गांव को आप पे विश्वास है कि आप खराब करोगे? ये तो आप देख रहे हैं कि जो भी ये तो देख रहे हैं कि दूर से जनता कितनी आपके साथ है। इतनी जनता तो विधानसभा चुनाव में किसी राजनेता के साथ नहीं होती। ये तो गांव वालों का प्यार है, जो साथ देने के लिए तैयार है, और हमारे साथ मतलब ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है, रोज निकलते हैं अपने घरों से और हमारे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। 36 बरादरी ने आशीर्वाद दे दिया है, आज 28 तारीख को ही चुनाव जितवा दिया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? इसके बारे में गांव के लिए कोई संदेश? गांव के लिए यही संदेश कि मैं अपने गांव का किसान हूं, शिक्षित बनाना है और एक नए समाज का निर्माण करना है। तो क्या गाँववासियों को अपील करनी हो? यही कि आने वाली 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में पहुँचे और मतदान करें और अपने गांव को विजयी बनाए। मुझे लगता है कि इतनी जो आप भारी इतनी भारी भीड़ जो देख रहे हैं, ये जनता का एक पिछले सरपंच के प्रति रोष ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो वादे एक क्या होता है कि गरीब इंसान होता है कि उम्मीद करता है गाँव के सरपंच को, वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो एक नया चयन के उम्मीद में लोग अभी आपको लग रहा है कि पब्लिक का प्यार और समर्थन हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसी उम्मीद में लगे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं घर घर जाके कि हम अपनी उम्मीदों पे काम करेंगे, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। इसी गांव के चुनाव माहौल को देख के कि गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या निवारण हो सकता है, राजू पहलवान के बताएंगे। गांव में बहुत सारी समस्याएं भी आपने देखा होगा, हमारी सड़क बहुत बड़ी बड़ी, तो हमारे गांव के पूरे गांव के गई है, 7 साल से 5 साल जिले की ऐसी जय की तो पड़ी। आज जो चुनाव की यह रैली है, ये रैली है नहीं बिल्कुल एक संकल्प रैली है, कि हमें अपने भाइयों को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं, अगर आपने मौका दिया, अगर आपने सरपंच पद का मौका दिया तो जन जन का हम जो है ना मान और सम्मान करेंगे। गांव की कोई भी समस्या जिसे भी होगी, चाहे वह भाई झगड़े की हो, चाहे वो वैसे झगड़े हो, विकास की हो, हाँ कोई भी बात हो, उसको अपने घर पे हम सुधारने की कोशिश करेंगे, पुलिस तक न जाएंगे, जाने देंगे, क्योंकि भाइयों का मान सम्मान और इनकी इज्जत बरकरार रखने के लिए आज ये जन समूह जो है ना रोडों पर आया हुआ है और एक बदलाव चाहता है, वो बदलाव होकर रहेगा। आपने जीत की घोषणा आज ही कर दी? कर दी, ये तो कई दिन कर दी जी, ये तो जीत की घोषणा है ना, खुद आप जीत रहे हो, तो गांव में माहौल देख के लग रहा है कि आपने जीत की घोषणा। जता दिया मुकाबले में तो वह आ गई, और ये जितने भी पार्षद जन समूह है ये दो एडवांस में चल रहा है, और उस दिन प्रतिद्वंदी को भी सबको ये पता लग जाएगा कि गांव बदलाव चाहता है और ये बदलाव होकर रहेगा। जनता को संदेश देना चाहोगे?
जनता को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आने वाली 30 और 2 तारीख को अपना भाईचारा बना के रखो, किसी सामाजिक तत्वों की जो बात हो उसको दबाओ और उसको आगे बताने दियो, सब भाई सहयोग करो और प्यार से जो है वोटिंग करो। ये खेल है और इस खेल को खेल की भावना से 4 दिन पाछा हमने सब ने इकट्ठा रहना है, सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सरपंच जी का चुनाव है ना कि विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव ने विधानसभा चुनाव को भी फैल कर दिया है। आज हम महिलाओं से पूछेंगे किनके क्या विचार है, ये ताई चाची जितनी बैठी है इनसे पूछेंगे विचार आपके। जी हम राजू पहलवान के साथ हैं, राजू पहलवान बनाएंगे, ये विचार है हम राजू को बनाएंगे। क्या विकास कार्य चाहोगे आप राजू से? राजू से हम ये चाहते हैं गाढ़ पानी जो आपको अभी तक नहीं मिली। हाँ अभी तक 7 साल में नहीं मिली, सब खा गया पहले आप सरपंच और कोई स्कूल अस्पताल कुछ इस हाँ सारी। इतना बड़ी इतना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों ने गांव मांडोटी ने दिया है, एक विधानसभा के चुनाव में इतना ज्यादा माहौल नहीं होता, एक गांव की सरपंच की सरदारी के लिए आप लोगों ने इतना साथ दे रखा, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है अच्छा अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छे आदमी पाऊंगे। वोट किसको दोगे, हाथ उठा के बताओ किसको दोगे?